अब हम समझने वाले हैं रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस सब्सटेंस की ज्योमेट्री किस रीजन से एक्सपैंड होती है, अब हम उसको समझेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कंसिडरेशन में ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कंसिडरेशन में ले लिया, ये एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अगर ये सॉलिड है तो इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी होंगे जिनसे मिलकर ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना होगा। अब हमें पता है कि अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते और ना ही रोटेट कर सकते। तो क्या हुआ, अगर मैंने डेल्टा टी से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया, हमने थर्मल एनर्जी पूरे ब्लॉक को सप्लाई की। जब हम थर्मल एनर्जी ब्लॉक को सप्लाई कर रहे हैं तो हर पार्टिकल की थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, तो ये जो थर्मल एनर्जी होगी वो पार्टिकल की वाइब्रेशनल एनर्जी बन जाएगी, और पार्टिकल जो होगा वो अपनी मीन पोजिशन के अबाउट तेज से वाइब्रेट करने लग जाएगा। हर पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब जब पार्टिकल्स तेज से वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजिशन के अबाउट, तो क्या होगा, अपने नेबर से कोलाइड करेंगे। अब जब ये अपने नेबर से कोलिजन्स करेंगे तो क्या होगा, जो इनकी इंटर पार्टिकल सेपरेशन थी ना, जिसको इनिशियली अगर मैं कुछ डी बोलूँ, ये इंटर पार्टिकल सेपरेशन के दो पार्टिकल्स के सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस, उसको मैंने डी से डिफाइन किया। अब जब कोलिजन्स होगा तो क्या होगा कि इंटर पार्टिकल सेपरेशन अब डी नहीं कुछ डी प्राइम बन जाएगी, और सर्टनली जो डी प्राइम होगी वो हमारी डी से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया। अब जब हमारी इंटर पार्टिकल सेपरेशन बढ़ जाएगी तो ये रिजल्ट करेगा एक इंटरनल स्ट्रेस को, और ये स्ट्रेस मोर प्रिसाइसली मैं इसको क्या बोलूंगा, थर्मल स्ट्रेस। जब इंटरनल थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ये थर्मल स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है ज्योमेट्री को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जिसकी वजह से ज्योमेट्री हमारी एक्सपैंड कर गई, और यही मैकेनिज्म था रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन का। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको समझाया मैं उसको एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारा प्रोसेस समराइज कर दिया ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में, मैं इसको वापस रीड कर देता हूँ। तो जब हमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमने थर्मल एनर्जी सप्लाई की थी उस बॉडी को, वो पार्टिकल की वाइब्रेशन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रेट ऑफ कोलिजन था वो बढ़ गया बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटर पार्टिकल सेपरेशन हमारी बढ़ जाती है। इंटर पार्टिकल सेपरेशन जब हमारी इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गया पूरी बॉडी के अंदर। थर्मल स्ट्रेस की वजह से हमारा थर्मल एक्सपेंशन हुआ। तो ये था पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस बॉडी की ज्योमेट्री किस तरीके से एक्सपैंड कर जाती है।